तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा? आप भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया, है कोई चीज़? उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है। बवार! जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट मेरे रास्ते से। प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम लोगों ने रुलाया उसको, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्यार झूठा है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा। जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे एक एक करके। आ जाओ।
कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार, तो बड़ा कौन हुआ। तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। तुमसे मिलने जाओ, मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी। दामाद जी, ससुर जी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, वो भाई है। दामाद जी, मैं नहीं। कौन है तेरा दामाद? ए डिपल, इधर आओ। बताओ, तुमने वो करंट इसे ही दिया था ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई लाइनमैन हूँ जो हर बात पर करंट दिया कहकर मुझे याद दिलाते रहते हो? सीनो, कंफ्यूज मत हो। दामाद जी, वो भाई है। भरोसा मत करना, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दामाद जी, तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए? डिंपल, इधर आ। सीनू, इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गया ना? हे, गार्डों से ये करंट लगाना तुमने कहाँ से सीखा? सर, मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर। लगता है किडनी गल के पिलपिली हो गई है। वैसे अब रुखसाना कैसी है? सर, मेरी सिचुएशन को इमोशन से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे फ्रस्ट्रेशन को समझे बिना रुखसाना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ए, ए, आवाज में दम आ रही है। सर, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो अभी बहुत काम है, चलो। भैया, बेटी की शादी देखकर दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। ए, तुम जाकर उस लड़की को अब... कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। दामाद जी, वो अंजलि को उठा कर ले जा रहे हैं।
अरे जल्दी 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 चलो, हम वहाँ कितनी मुश्किल से पेट्रोल निकालते हैं और तुम लोग इतना सारा पेट्रोल चेजिंग में बर्बाद कर लेते हो। के नीचे बजाऊंगा तेरे, यहाँ जान जा रही है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है, अकल से पैदल है तू। अबे ओए, मेरी उम्र फाइट की नहीं रही ये तो समझ में आता है, सांड जैसा होकर तू क्यों नहीं फाइट करता? क्या है ना, किसकी तरफ से फाइट करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू अर्जुन या भीष्म नहीं है, शिखंडी है तू। दबाजी, दबाजी, ए दबाजी, दबाजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। अब छोड़ दे इसको। क्या लगता है, मैंने तुझे इसकी रिहाई के लिए बुलाया? मैं भी तुझे कोई स्टैम्प पेपर देने के लिए नहीं आया हूं। ए, पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू? We'll be right back.
सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो, शुद्धता तन में नहीं मन में धारण करना चाहिए। जाओ उसकी सहायता करो। तुम तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत नहीं। तू मुझे नहीं रोक सकता।
भय लगा कि मेरे पापा की तरह मुझे भी मार डालोगे। तुमने मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं, नहीं। पद्मनाभा, कुचल डालो इस पापी को। तेरे बेटे को सबको खत्म करके यही समाधि बनाऊंगा, सबको चीर के रख दूंगा। तुझे एक बात पता है क्या, तेरी बीवी को मैं नहीं मारने वाला, तेरी फैमिली को टच किया तो चीर दूंगा, कहा था ना नरसिम्हा ने, अब वही नरसिम्हा इसे मारेगा। सोचकर खुश हो रही है? खुशी नहीं, दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक नामर्द के हाथों मरने वाली हूँ, समझे? तो तेरे पति के सामने तुझे मारने वाला था, अब प्लान चेंज, अब तेरे ही सामने तेरे पति और बच्चे को मारूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं मर्द हूँ या नामर्द। ले जाओ बांधो। दूसरी बार मेरी जान बचाई है।
तेरी मौत देखकर ही मैं मरूंगा। रेड्डी, शेर को मारने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और नरसिम्हा को मारने के लिए 100 शेर का जीरा। मेरा टाइम अच्छा है रे, तेरी मौत कंफर्म। इधरों के भोकने से शेर नहीं मरते, समझा? But not the god!